टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिंस फॉर लंग्स। जब तक सांस है तब तक आस है। ये आस मन के लिए ही नहीं शरीर के लिए भी है। अगर सांस पूरी और अच्छी तरह नहीं आएगी तो तय मानिए कि तंदुरुस्त रहने की आस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सांस के लिए हमारे फेफड़ों का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ पोल्यूशन ने हमारे फेफड़ों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। इन दोनों दुश्मनों से कैसे लड़ना है हम आपको हमेशा काम आने वाली वो 5 होम्योपैथिक दवाइयां बता रहे हैं, जिनके रहते आपको छोटी छोटी समस्याओं के लिए ना ही अपने डॉक्टर के पास जाना होगा और ना ही ज्यादा दवाएं खानी पड़ेंगी। फेफड़े और हृदय शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, जो 24/7 हमारे स्वस्थ रहने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। इन प्रमुख अंगों को बहुत चिकनाई, एक संतुलित भोजन और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। आमतौर पर घरों में लोग प्राथमिक उपचार लायक दवाएं और मरहम पट्टी आदि की व्यवस्था रखते हैं। इसमें अक्सर ये भी देखा जाता है कि काफी दिनों तक उसकी जरूरत न पड़ने पर दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं। पर यदि आप आपात स्थिति के लिए कुछ होम्योपैथ की दवाएं रखेंगे तो ये हमेशा सही वक्त पर काम आएंगी और ये दवाइयां कभी एक्सपायर भी नहीं होती। आज हम ऐसी ही 5 दवाइयों के नाम बताएंगे जो हमेशा किसी घर में अगर रहें तो आपात स्थिति में राहत पहुंचा सकती हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा 200। अगर आपके गले में सूखापन बहुत ज्यादा हो और साथ में हल्का फीवर भी आए तो ब्रायोनिया बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। आप इसे 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को जरूर लें। आपको सिर्फ इसे डायरेक्टली टंग में डालना है। इस मेडिसिन से लंग्स में इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन कम होता है और इसके साथ ही सूखी खांसी भी ठीक हो जाती है। दूसरी मेडिसिन है एंटीमोनियम टेरिटेरिकम 200 CH। अगर आपको कफ काफी ज्यादा है और उसके साथ ही सफेद कफ निकल भी रहा है, ये मेडिसिन आपकी खड़खड़ाहट को दूर कर देती है और साथ ही कफ को भी क्लियर करती है और खांसी के लिए काफी बढ़िया मेडिसिन है। ये मेडिसिन आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और तीसरी मेडिसिन है एस्टोस्पर्मा क्वेब्रैको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ये मेडिसिन लंग्स को इम्प्रूव करने के साथ ही लंग्स के फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है और अगर ऑक्सीजन कम हो रहा हो तो ऑक्सीजन को बढ़ाने में बहुत ही इफेक्टिव है। इसको आप दिन में 4 या 5 बार ले सकते हैं। चौथी मेडिसिन है इपेका। दोस्तों, कफ अगर बहुत ज्यादा है और उल्टियां आने लग जाएं तो इपेका बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इस मेडिसिन से आपका कफ निकलेगा और आपको आराम मिलेगा और इससे आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। फिफ्थ मेडिसिन है कैलीबाइक्रोमिकम 30 CH। कफ अगर गले में फंसा हुआ है और साथ ही सर्दी भी हो रही है तो इसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही लाभदायक है। रात में कफ की वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये आपके कफ को क्लियर करेगी। जैसे ही आपकी खांसी ठीक होती है तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर दें। कोरोना से अभी ज्यादातर लोग बचे हुए हैं, यानी अगर किसी तरह की परेशानी नहीं है तो भी सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि अब पोल्यूशन भी बड़ा दुश्मन बन चुका है। ये दुश्मन हमारे फेफड़ों को बहुत बीमार कर सकता है। इसलिए घर से बाहर निकलने पर ऐसा मास्क लगाकर जाइए जो कोरोना और पोल्यूशन दोनों से आपका बचाव करे। इसके साथ ही सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू जैसी चीजों से पूरी तरह तौबा करना सही रहेगा। घर में धूप या अगरबत्ती ना जलाएं। इसके धुएं से सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।